किसान साथियों नमस्कार, मैं राजू राम राठौड़ जोधपुर राजस्थान से। आज हमारा शैक्षणिक भ्रमण गुजरात के कुछ इलाकों में। मैं आज आपको एक देसी गाय के गोबर को पहले थेपली बनाकर उपलों के जैसा ऐसा आकार देके, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर नेट हाउस की छाया करके इसके अंदर देसी गाय के उपलों को ऐसे गोल गोल लड्डू जैसे पेड़े जैसे बनाकर इसको अध सूखे करके यहाँ एक मशीन लगा रखी है और इस मशीन से इन्होंने कंपोस्टिंग किया है। देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया बारीक भुरभुरा एकदम चमकदार महकदार एकदम बारीक छाना हुआ मशीन से तोड़ा हुआ ग्राइंडिंग किया हुआ। मैं आपको इसके साथ मशीन भी दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको स्वचालित करते हैं। हो सके तो मैं मशीन को चला के भी दिखा दूँगा आपको। ये यहाँ मशीन है, इस मशीन के नीचे यहाँ बेल्ट लगी है, इसको जो वो कंडे बनाए हैं वो कंडे इस मशीन के साथ डाल के इसकी ग्राइंडिंग करके इसका पाउडर करके यहाँ आप एक ढेर करके रख रखा है। ये विधि कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और गौशाला में आपका क्या काम है और कैसे आप इस गौशाला को संचालित करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक ऐसी विधि दिखाऊंगा जो गौमूत्र भंडारण करने का इनका तरीका है। तो जानते हैं मेरे सामने खड़े किसान भाई से जो गुजरात से हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? भरत भाई जोशी। भरत भाई जोशी जी, आपने इतनी सारी गायें पाल रखी है जो कि आपने एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया। जब आपसे मेरी बात हुई तो आपने मुझे कहा कि रोड के ऊपर आवारा घूमने वाली गायें जो कि कभी एक्सीडेंट हो जाती है उनको आप लाकर यहाँ उनका काफ़ी गौशाला यहाँ टूटी भी है, सॉरी काफ़ी गायें यहाँ टूटी हुई भी है, किसी का पैर फ्रैक्चर है, किसी का सींग इधर उधर हुआ है, आप इन गायों की यहाँ लाके गौशाला में पक्की छत के नीचे दोनों साइड में गायों को बांध के सेवा कर रहे हैं, अति उत्तम कार्य कर रहे हैं, ये आपको शौक कैसे लगा? ये तो एक मश्री बाबा पाणखानी आता प्रजापति, इन्हें बोले कि गौशाला बनावी, तो ये बीमार गाय की गौशाला अनक्षेत्र, कोई भी गाड़ी आवे खाना रसोड़ा न हो, बाबा साधु कोई भी आवे पैदल हालीने आवे द्वारका जाता अरसन जाता हो कोई भी आवे तो एना माटे खाना 24 घंटे चालू, कोई चार्ज नहीं। अहीं ये दवाई है ये पूरा गौमूत्र साण गोड़ अने पाउडर बधुं मिला के थेपली बनावे, थेपली बनावी दस दिवस सुकावी दो, सुकावी मशीन में काटी नाखवा, पछे ये बोरी भर लेवा, ये बोरी बनाई, इन बोरियों के अंदर आपने खाद को भर रखा है, यानी कि गो गाय का गोबर और ये आपने गो अर्क यहाँ बना रखा है। किसान साथियों देखिए, गौशाला के अंदर चल रहा बहुत बढ़िया काम, या गोबर को अलग इन्होंने भंडारण करके रखा है, उसकी क्रशिंग करके ग्राइंडिंग करके अलग सिस्टम बना रखा है, और इन बोतलों के अंदर एक कैरेट के अंदर 2 लीटर 1 लीटर 5 लीटर के कैनों में भर के देसी गाय का गौमूत्र आपने धूप में रख रखा है। इन्हें मालूम है कि देसी गाय का गौमूत्र फसल बढ़वार के लिए कीट नियंत्रण के लिए क्या काम करता है। इसी बीच मैं आपको बता देता हूँ, इनके यहाँ गौशाला के अंदर जो गौमूत्र को इकट्ठा करने का जो सिस्टम है, ये देखिए थोड़ी सी ढलान दे के जो ऊपर पट्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सज्जन महानुभाव जो आगे जा रहे हैं जो जिसके ऊपर चल रहे हैं, यहाँ इसके नीचे नाली और सारा गौमूत्र ढलान में एक जगह इकट्ठा होता है और यहाँ एक ड्रम और एक मगा इसके अंदर आप गौमूत्र इकट्ठा करते हैं। किसान साथियों इसी के साथ आज मेरे साथ एक किसान जो व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़े, इनसे भी थोड़ा परिचय ले लेते हैं और आपके पास क्या क्या खेती है। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश भाई गोस्वामी, मारू खंभाड़ा गाम हूँ, मारे आमनी खेती से मारे 800 आम से ने आमनी अंदर पर हूँ देसी पद्धति जैविक निमंत्रण ने भाई ना माहिती मुजब डी कम्पोज पछी जीवामृत छटकाव करी अने खातरनो उपयोग करूँ। आप दिनेश भाई, आपने कहा वेस्ट डी कंपोजर इस्तेमाल करते हैं, देसी गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक की बजाय आपको जैविक में क्या परिणाम आ रहे हैं? जैविक में जे हमारी केरी थाई ने केरी नी अंदर मीठास एकदम होई ने कोई पर जात नो मारे केरी आंबा में पाकी जाए
बहुत बढ़िया आपने अनुभव शेयर किए। किसान साथियों, आपने देखिए यहाँ गौशाला के लिए यहाँ क्या बनाया जी? गौमूत्र। ये गौमूत्र है? एक गौमूत्र है। हाँ, दवाई है। अच्छा, गौमूत्र और इसके अंदर दवाई है। गौमूत्र, हाँ, छाण, हाँ, गोबर, 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 हाँ, इन्हें मिला भी। हाँ, थोड़ा हड़ो पड़े ने, हाँ, पसे ताकत बने। अच्छा जी, किसान साथियों आप देखिए, एक गौशाला के अंदर भी इस तरह प्रोग्राम अब चलने लग गए। मैं आप सभी देशवासियों से यही निवेदन करता हूं कि आप गौशालाओं के अंदर ऐसी सुविधाओं का प्रचार कराइए जहां की गौमूत्र फ्री में उपयोग लिया जा सकता है, गोबर को फ्री में उपयोग लिया जा सकता है। जैसे कि आज मैंने आपको पोरबंदर के नज़दीक एक गौशाला का भ्रमण करते हुए, ये गौशाला कहाँ है और इन गौशाला के संचालककर्ता, इनसे चलते चलते इनका नाम और नंबर ले लेते हैं। आपका नाम और नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। आपका नाम पलखड़ा भरत भाई जोशी। आपके नंबर बता दीजिए। 9746-6604। किसान साथियों चलते हैं अब नए अगले भ्रमण की ओर, और कुछ नई भ्रमण की जो जानकारी मिलेगी वो आपके सामने साझा करूंगा। धन्यवाद।